पूरे देश में 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। भोपाल में बारिश के कारण सीएम मोहन यादव ने सीएम हाउस में ही योग किया। वहीं केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान और ज्योतिरादित्य सिंधिया ने दिल्ली में योग किया। इस मौके पर शिवराज सिंह चौहान ने देशवासियों को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं दी। शिवराज ने अपने फिट होने का भी राज सबको बता दिया कि आखिर वो इतने फिट कैसे हैं। प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ, जो योग को उन्हें संपूर्ण विश्व में पहुँचाया। आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर सभी भाई और बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं और आग्रह केवल इतना कि केवल योग दिवस के दिन योग ना करें, योग को अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाए, रोज योग करें, क्योंकि योग करेंगे तो स्वस्थ और प्रसन्न रहेंगे। मनुष्य अनंत शक्तियों का भंडार है, उन शक्तियों को जागृत करने का माध्यम भी है योग, ताकि हम इस जीवन में अपनी संपूर्ण क्षमता से अपने देश के लिए, समाज के लिए और परिवार के लिए भी काम कर सकें। मैं रोज योग करता हूँ, इतना जरूर है कि मेरा एक भयानक एक्सीडेंट हुआ था तो शरीर 6 जगह से टूट गया था, तो 2-3 आसन करने में नट बोल्ट डले हुए हैं मेरे, तो वो जरूर थोड़ी दिक्कत होती है, लेकिन मैं रोज योग भी करता हूँ, प्राणायाम भी करता हूँ और परमात्मा से भी जुड़ने की कोशिश करता हूँ। आपको बता दें कि ये 10वां अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया गया। इस योग दिवस पर पीएम मोदी ने भी कश्मीर में योगाभ्यास किया, तो वहीं एमपी में बारिश के कारण ज्यादातर नेताओं ने अपने घरों में ही योग किया। योग दिवस के मौके पर सीएम मोहन यादव ने श्री अन्न संघर्ष प्रोत्साहन अभियान का शुभारंभ भी किया, जिससे किसानों को मोटे अनाज की खेती के लिए प्रेरित किया गया। ब्यूरो रिपोर्ट, एमपी तक।